हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैं आप लोगों के कहने पर बना रही हूँ होममेड कैपुचिनो। इसके लिए मुझे चाहिए कॉफी पाउडर, शुगर और मिल्क। सबसे पहले मैं एक बाउल ले रही हूँ। ये बाउल बस थोड़ा सा ऐसा है कि कोई चीज मुझे मिलानी हो तो मेरा हाथ नीचे चले, ऐसे बाहर बाहर ना आए। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये नैरो शेप, जो नीचे से नैरो है, वो शेप का लिया है। कोई कप भी ले सकती थी मैं, ग्लास भी ले सकती हूँ, लेकिन जितना बड़ा बर्तन हम लेंगे उतने वो पूरे के पूरे में जो है कॉफी फैल जाती है, चिपक जाती है, वेस्ट हो जाती है। कैसे वेस्ट हो जाती है अभी आप देखेंगे। मैं इसमें कॉफी ले लेती हूँ अंदाज से। कॉफी कोई भी आप कॉफी पाउडर ले लीजिए, सिंपल जो भी आपके पास होता है या मार्केट में से। तो एक स्पून ये मैंने कॉफी पाउडर ले लिया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक स्पून शुगर और बहुत थोड़ा सा मिल्क, इतना मिल्क कि बस ये ज़रा सा डिप हो जाए उसमें, बस इतना काफ़ी है। अब मैं इसको फेंटना शुरू कर दूंगी। किसी भी तरफ फेंट सकते हैं, ऐसे या ऐसे या ऐसे, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ये है एक स्पून कॉफ़ी पाउडर और एक स्पून शुगर। जो ऊपर तक शुगर चली गई उसको मैं मिला लेती हूँ। ये जैसे अभी पोर कर रहा है आराम से, अभी आप चेंज देखना इसका। फेंटते फेंटते ये ज्यादा भी हो जाता है क्वांटिटी में, फूल जाता है ये। अभी आप देखो इसका कलर और लाइट हो गया है, गोल्डन ब्राउन पर आ गया। अब तो फेंटते फेंटते ये तैयार हो गया। अब इसको मैं एक कप जिसमें भी मुझे पीना है उसमें डाल दूंगी। ये जो मैंने आपको कहा था कि बड़े कप और उसमें लेने से ये वेस्ट हो जाता है, तो ये ऐसे वेस्ट हो जाता है, ये निकालना मुश्किल है। मैं इसमें थोड़ी शुगर और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि इतने बड़े कप में कम से कम 2 स्पून शुगर जाएगी, 3 स्पून शुगर जाएगी, तब जो है कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा आएगा कैपेचिनो का। अब मैं इसमें ये मिल्क पोर कर रही हूँ और इसमें ये शुगर और कॉफ़ी जो मिक्स है इसको मैं मिला रही हूँ। जो नॉर्मल कॉफ़ी पाउडर शुगर डालकर हम दूध में मिक्स करके पीते हैं उसका फ्लेवर और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। जैसे जैसे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ इसमें झाग उभर रही है, अगर आप देख पा रहे हो, इसमें पूरी कॉफ़ी और शुगर का जो पेस्ट था वो इसमें मिक्स हो गया है। और आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से, ये देखो आप कितना अच्छा झाग आ रहा है, आपको इस स्पून से भी पता लग रहा हो। तो ये होममेड कैपेचिनो तैयार और मैं इसको अब पीने वाली हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप कीजिए इसको लाइक सब्सक्राइब। बाय बाय।